चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भाई गांव का पानी आवे भाई, कुछ रास्ता इसका हो नहीं रहा। आगे हम पैदा हुए थे उससे पहले ही है। अगर अब की बार सांसद जी यहाँ आते हैं तो उन्होंने कंडेला में अलग ही प्रभाव दिखेगा, काले झंडे कंडेले से दिखने शुरू होंगे बारों में। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में हैं और जिला शामली का ये गुज्जर बहुल गांव है कंडेला, और हम कंडेला में बातचीत करेंगे कैराना लोकसभा सीट को लेकर कि इस बार 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर क्या लोगों की राय है। मैं बात करूं तो विकास के नाम पर बहुत सारा वोट बैंक 2019 में बीजेपी को गया था इस गांव से, तो लोकसभा के साथ साथ हम लोग इस गांव के विकास की भी बातचीत करेंगे, लोगों का काम को लेकर, लोगों के काम को लेकर क्या कहना है, क्या लोगों का मानना है। अम्मा जी से बातचीत करेंगे। क्या नाम अम्मा जी? सविता जी। अच्छा, ये जो पानी की समस्या है कितने दिन से है यार? या तो जी 6-7 महीने हो गए, ज़्यादा ही हो गए। और ही हाँ जी यार, कोई कर ही नहीं रहा सुनवाई इसकी, घरों में भी लिखने पढ़ने तो परेशान हो रहे। कितनी दिक्कत आ रही है? घनी दिक्कत आ रही है। बच्चे तैयार करके भेजा स्कूल में, जा गिर रहे हैं इसमें। स्कूल में तो मैं भी घर रहे हैं, बच्चे भी बहुत परेशानी हो रही। घरों में तो निकलना भी भारी हो रहा, देखो इधर भी सारे ने। हाँ जी, तो कोई आया देखने? कोई पता नहीं था, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आ रहा ना, कोई सुनवाई कर रहा किसी की भी। अभी जैसे चुनाव भी आ रहे हैं, लोकसभा के नेता कोई आए हो, आपके सांसद आए हो? कोई नहीं आया यहाँ से, यहाँ कोई किसी की सुनवाई नहीं कर रहा। अपना जो कह दी किसी तक करा दी, बोला हम क्या कर सकते। लेकिन जब चुनाव आओगे वोट तो चाहिएगा लोगों को? हाँ वोट तो चाहिएगा, वोट के लिए तो आ जाएंगे। इस बार देंगे वोट? नहीं हम तो नहीं देते जी, हम घरों में तो भी निकलने तो बाहर हो रहे, परेशान है, कई बार निकलने तो परेशान है। किसी का कोई दिक्कत आ जाए, जीव नहीं जा सकते तो हम चुनाव में वोट देकर क्या करेंगे? हम नहीं देंगे जी, कोई हमारा समाधान ही नहीं हो रहा। ये ताऊ जी है एक, हमारे यहाँ बेचारे ये भी दुखी होकर बैठ गए, परेशान होकर, और इसकी रपट करता है जो ये कुछ कह भी बेचारा। हाँ इनकी कोई नहीं सुन रहा है। चलिए ठीक है। क्या नाम भाई? आसिम जी। आसिम भाई, ये पानी की जो समस्या है कितने दिन से है? ऐसा कई महीने से हो रही है, अब तो ज़्यादा समस्या रही है यहाँ पर। पहले से कम थी, अब ज़्यादा है। कोई समाधान नहीं नजर आ रहा? कोई समाधान हो रहा है अभी तक। अधिकारी आवाज चला जा रहा है जी, कितने अधिकारी आए जी, सब आते हैं जाते हैं वापसी, कहीं कोई समाधान होता नहीं। एकदम पढ़ने ज़्यादा परेशानी बना रखी थी यहाँ पर। कुछ लोग कह रहे थे कि घर पे लिखवा दिया कि मकान बिका हुआ है। आज बिका हुआ है, बिका हुआ है जी। तो आप जैसे रिक्शा चलाते हैं दिक्कतें होती होगी? दिक्कत आज बारिंग फूट जाए पहियों होंगे, दिक्कत तो आमदनी में भी फर्क पड़ा होगा। हाँ जी, सवारी इधर सवारी जाती है रिक्शा जी, इधर तो पार नहीं होती जी रिक्शा, इतने गड्ढे हो रहे जी, रिक्शा पार नहीं हो रही। इधर हमारा घर भी है जी। कहाँ के भाई? कंडेले के? कंडेले के। अच्छा, ये समस्या जो है पानी की कितने दिन से है? यह तो हम पैदा हुए थे उससे पहले ही है। अच्छा, तो हल नहीं निकलता? इसका नहीं निकलता भाई कुछ भी। क्या लग रहा है, क्या कैसे ठीक हो सकती है? बाकी बताया था बता। कंडेला गांव जो है एक तरह से बीजेपी का गांव है, बीजेपी का गांव कहा जाता है। एक डब्बा बीजेपी के। तो इस बार होगी वोट बीजेपी की? वोट तो देनी पड़ेगी, वोट कहाँ देंगे? और फिर पानी की समस्या क्या होगा? पानी भी नहीं, देख लेंगे इनको, बाल्टी तक काट देंगे इन्हें। अच्छा, तो नहीं लगा दियो फिर वोट लेने वालों की? लगा दियो ना वोट। क्या नाम भाई तारा? क्या नाम? गोपाल। गोपाल भाई, क्या लग रहा है ये जो कह रहे हैं वोट तो बीजेपी को देनी पड़ेगी, लेकिन काम का क्या होगा? ये हो गई कुछ ना कुछ तो इसका। अच्छा, क्यों वोट दे रहे हैं बीजेपी को ये तो बताओ? वोट तो देनी, और किस काम बताओ कुछ एक दो काम तो बहुत करके बताओ, और किस दे वोट? ये काम है बीजेपी का ही, दूर तक काम रहा है। नहीं कोई कारण बताए ना बीजेपी को भाई, उसने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, नौकरी दी, या फिर सड़कें अच्छी कर दी गाँव की, इसलिए वोट देंगे, ये बताओ कुछ। काम तो चल ही रहे, खैर ढंग की लग रही दबा। क्या नाम था जी? उषा। पानी की समस्या जो है कितनी दिक्कतें हो रही है? बतेरी हो रही भाई, बहुत हो रही। कह रहे स्कूल है, बच्चे भी जाते हैं, दिक्कत ही है, लिखड़ नहीं सकते। तो आपका घर इधर ही है? मेरा तो घर इधर है गांव में, पर गांव की सड़क तो है। तो कोई आया नहीं, पता नहीं लेने आया? नहीं नहीं आया, कोई नहीं आया। क्या नाम बड़े में? सुरेश है मेरा। सुरेश जी, क्या लग रहा है ये समस्या ऐसी जो गांव में है? भाई गांव का पानी आवे भाई, कुछ रास्ता इसका हो नहीं रहा, आगे कहाँ जायू, यू हमारे पाँव में ही भरा रहा है बस। तो कोई मदद नहीं करने आ रहा? कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। लोकसभा चुनाव है, इस सीट पे किसको देख रहे हैं इस बार? चुनाव जीत सकते हैं लोकसभा में? कुछ कह नहीं सकते जी। इकरा हसन है, प्रदीप चौधरी है, दावेदार जो है इकरा के ही है हम तो। अच्छा, इकरा हसन को पसंद करते हैं। अगर पानी की समस्या हो तो हम भी कह देंगे, हम फेरी वाले हैं, इसको सही करवा दो यहाँ से जी। तो आप फेरी बड़ी दिक्कत बने यहाँ को आते जाते जी, गिर भी जहाँ पाजी देखे तो नुकसान हो जाता होगा। हाँ नुकसान हो जाए, इसको जो है सही करवाओ कि जी।
चलिए, सभी पब्लिक को जो है बहुत टेंशन हो रही इस चीज़ से, उसको सही कराओ तुम। तो सब फेरी वालों को दिक्कतें होती होगी? बहुत ज़्यादा है, गिर भी जहाँ जी चोट भी लग जाती है, पूरी गंदगी हो रही है, बहुत बीमारी बीमारी भी हो रही होगी, बहुत मच्छर हो रहे हैं, और मच्छर काटने से बुखार भी हो रहे हैं, पैर भी सूज रहे हैं सबके। लोगों घर में पानी भर रहा, लोगों ने लिख दिया हर अपने मकान पर, क्या हमारा मकान बिका हुआ है, दो कॉलेज हैं यहाँ से, बच्चों एक बच्चों का है, एक राजकीय इंटर कॉलेज है, लड़की आने जाने में परेशानी नहीं है बहुत ज़्यादा, और जी सुनवाई तो कुछ हुई नहीं आज तक, यहाँ 6 महीने हमने भी शिकायत करते करते अब भी थक ली। लेकिन कहीं ना कहीं कंडेला गांव जो है एक तरह से बीजेपी का होल्ड माना जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक है, लेकिन पूरे गांव ने वोट दिया है 19 में भी और 14 में भी अगर हम बात करें, लेकिन गांव में ऐसी समस्या है और फिर भी लोग नहीं आ रहे, सांसद जी भी नहीं आ रहे। सांसद जी तो यहाँ से वोट मांगने आए थे, हटकर हमें दर्शन हुए सांसद जी के, अगर अब की बार सांसद जी यहाँ आते हैं तो उन्होंने कंडेला में अलग ही प्रभाव दिखेगा, काले झंडे कंडेले से दिखने शुरू होंगे बारों में, जो सांसद प्रदीप चौधरी, प्रदीप चौधरी स्टेन। तो इधर कभी पब्लिक से ये बीच नहीं आए? नहीं, एक बार भी तो नहीं आया, हम तो आज उसकी शक्ल उधर देखी थी, उधर वोट मांगना आया, आज तक शक्ल नहीं देखी। तो ये समीकरण बदल जाएगा? अगर बदलेगा जी, बिल्कुल पक्का बदलेगा, अगर मनीष चौहान का टिकट हो तो बीजेपी तो वोट देंगे, नहीं तो हम मजबूरी में इकरा सर जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा जी, हम तो इकरा भी तो मेरी है, प्रदीप तो बढ़िया हो मेरी का जड में है, तो हमने तो मजबूरी में फिर इकरा सर से वोट करना पड़ेगा, ये मनीष चौहान का टिकट होता है तो हम मनीष चौहान से बीजेपी की पूरी वोट देंगे, अगर मनीष चौहान का टिकट होता है, अगर मनीष का नहीं होता फिर इकरा, फिर हम इकरा से वोट देंगे, बीजेपी से वोट नहीं देंगे हम, क्योंकि ये हमारा भारत का तलाव भर रहा, इसमें देख लो क्या हालत हो रही है आपके सामने है। तो ये गांव वालों की भी समझदारी बन रही है ऐसे मुद्दों का? हाँ, गाँव वाले, गाँव एक तरफी है, गाँव पूरा हमारा एक तरफी जाएगा, 12,000 वोट मेरे गाँव की है, 12 की 12 हम एक तरफी डाल लेंगे। जिला शामली में थे हम लोग, और शामली का ये कंडेला गांव है जहां पर जल भराव की समस्या है और भी कई सारी समस्याएं हैं, लोगों का कहना है कि पिछले 6 महीने से वे इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते कोई भी मदद गांव वालों तक नहीं पहुंच रही है, और लोकसभा कैराना सीट की मैं बात करूं तो लोगों का मानना है कि जो यहाँ के सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी कभी जनता के बीच नहीं आए हैं, इन समस्याओं में भी नहीं आ रहे हैं, और लोग काफ़ी नाराज़ हैं। जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी, धन्यवाद। किसने लिख रखा है?